जी, क्या F6 MFA पेपर का नाम क्या? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। पेपर क्यों है ये सिलेबस में? इस पेपर का इधर सिलेबस में आने का मकसद है कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक सिखाई जाएं, चाहे कोई मैनेजेरियल एनालिसिस है, मीन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का एनालिसिस है, चाहे फाइनेंशियल एनालिसिस है। दोनों किस लिए हैं? बिजनेस को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस को मैनेज करना है तो उसके अंदर हमने क्या करना है? मैनेज करते वक्त कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए मैनेज करना है। क्या ख्याल है? क्यों, अगर वो नहीं देखे तो बिजनेस मैनेज नहीं होगा। बिजनेस को मैनेज करना है कैसे? हमने कुछ डिसीजन लेने हैं, फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हमें क्या करना है? फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, तो इसलिए हमें ये फाइनेंशियल एनालिसिस भी पढ़ाया जा रहा है। क्या ख्याल है? कोई नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, डिसीजन लेना आपने किसकी बेस पर? NPV की बेस पर, IRR की बेस पर, पे बैक की बेस पर। इसलिए हमें वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक चैप्टर 17 पढ़ाया गया। मीन इस पेपर को अगर हम CA से निकाल दें, अपने कैफ से निकाल दो इस पेपर को, तो विषय कैफ सारा क्या है? अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। मीन कोई बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स आपके अंदर नहीं आई। क्या कह रहा है? वो स्किल्स किसके पास होती हैं? MBAs के पास। इन्हें पेपर निकाल दो तो आप क्या हो? जस्ट अकाउंटेंट, मीन मुंशी, खातेदार। मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी जा ही नहीं सकोगे उस लेवल पे। उस लेवल पे कौन जाएंगे? MBA लोग। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बिजनेस की मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचाया जा सके, इसलिए इसको मैनेजमेंट की स्किल सिखानी है कि बिजनेस को मैनेज करते वक्त आपको कुछ मैनेजेरियल एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, मीन कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखना है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो वो हम मैनेजेरियल एनालिसिस के एरिया में पढ़ेंगे। कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी आपने देखना है, कोई फाइनेंशियल एनालिसिस भी आपने करने हैं, जिसकी बेस पर डिसीजन लेने हैं, जिसकी बेस पर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, तो वो हमें कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है? फाइनेंशियल एनालिसिस के पार्ट में। क्या कहला? अदरवाइज अकाउंटिंग करनी है वो तो हम FR1 FR2 कॉस्ट में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट से अकाउंटिंग करनी है, आपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे तो उसमें कैसे आपने डिसाइड करना है कि स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें हमें फाइनेंशियल एनालिसिस में ही सिखाई जा रही हैं। क्यों? कल को अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किसी सेठ का बिजनेस मैनेज करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर बिजनेस मैनेज करने की स्किल होनी चाहिए, या कल को अपने अब्बा जी का बिजनेस संभालना है, क्या कहला है, तो वो बिजनेस मैनेज करने की हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो वो हमें इस पेपर के थ्रू सिखाई जा रही हैं। Chapter 1 to 9 उसने कहा जी हमारा मैनेजेरियल एनालिसिस का एरिया, Chapter 10 to 17 हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का एरिया। ये जो Chapter 1 to 9 है, इसमें से एक Chapter 9 अनोखा चैप्टर है सिर्फ एथिक्स का, बाकी जो Chapter 1 to 8 है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे इंटरलिंक्ड है? बिजनेस स्ट्रैटजी का एक टॉपिक है, इसके थ्रू ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। सो बिजनेस को मैनेज करने का मतलब क्या है? बिजनेस की स्ट्रैटजी डिफाइन करना। बिजनेस को मैनेज करने का मतलब क्या है? बिजनेस की स्ट्रैटजी डिफाइन करना। और बिजनेस स्ट्रैटजी का मतलब क्या है? हाउ टू डील विद कंपटीशन, कि हमें कंपटीशन को कैसे डील करना है। क्यों? कंपटीशन डील हो गया तो आपका बिजनेस मैनेज हो गया, मीन ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, और अगर कंपटीशन डील नहीं हुआ तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं हुआ, और बिजनेस मैनेज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो हम जो कवर कर रहे हैं टॉपिक वो क्या है? बिजनेस स्ट्रैटजी, Chapter 1 to 8 सारा इसी के अंदर है। बिजनेस स्ट्रैटजी मीन हाउ टू डील विद कंपटीशन, और एक बिजनेस कंपटीशन को डील करने के लिए इन्वॉल्व होता है एक प्रोसेस में, जिसे नाम दिया जाता है स्ट्रेटजिक प्रोसेस का, स्ट्रेटजिक प्रोसेस, या इसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग भी बोला जाता है। मीन हाउ टू मेक स्ट्रैटजीज, हाउ टू फार्मुलेट स्ट्रैटजीज, या हाउ स्ट्रेटजिक डिसीजंस आर मेड, मीन कैसे स्ट्रेटजिक डिसीजन लिए जाते हैं, कैसे स्ट्रैटजीज फार्मुलेट की जाती हैं, कैसे स्ट्रैटजी बनाई जाती हैं। स्ट्रैटजी क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन के बिजनेस को करना क्या है अपना ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए। तो स्ट्रैटजीज बनाने के लिए बिजनेस स्ट्रेटजिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और स्ट्रेटजिक प्रोसेस में आगे फर्दर इंटरलेटेड 3 सब प्रोसेसेस हैं। एक को नाम हमने दिया जी स्ट्रेटजिक एनालिसिस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक पोजिशन, स्ट्रेटजिक एनालिसिस आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक पोजिशन। मतलब क्या है? टू एनालाइज करंट पोजिशन ऑफ द बिजनेस, या टू एनालाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजिशन ऑफ द बिजनेस, के पहले हमने वो फैक्टर्स देखने हैं जो हमारी पोजिशन को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं।
और वो फैक्टर्स जो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं उनसे बचने के लिए फिर हम एंटर होते हैं कहाँ पे, स्ट्रेटजिक चॉइस में और स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन में। हाँ, अगर कोई फैक्टर नेगेटिवली इतने इफेक्ट करने वाले हैं ही नहीं, हमारी पोजिशन ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो फिर हमें चॉइस और इम्प्लीमेंटेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे बिजनेस चल रहा है उसको वैसे ही चलाना है, मीन कंपटीशन हमारा डील हो रहा है। सो पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हमने परफॉर्म करना है इंटरनल एनालिसिस। क्या परफॉर्म करना है? इंटरनल एनालिसिस मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। पोजिशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी, मीन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हमें जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस, इसी को ही एनवायरमेंटल एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। और एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक छोटा एनवायरमेंट जिसे नाम दिया जाता है इंडस्ट्री एनवायरमेंट का, और एक बड़ा एनवायरमेंट जिसको नाम देता है कंट्री या फिर मैक्रो एनवायरमेंट का। इंडस्ट्री एनवायरमेंट को माइक्रो भी कहते हैं, लेकिन मैं माइक्रो नहीं लिख रहा, क्यों? माइक्रो लिख दूँ तो स्टूडेंट फिर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ जाते हैं, तो माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा, छोटा एनवायरमेंट। छोटा एनवायरमेंट मीन अपनी मार्केट, अपनी इंडस्ट्री की हद तक फैक्टर्स को देखना। और मैक्रो का मतलब क्या है? बड़ा, बड़ा बोले तो कंट्री की हद तक फैक्टर्स को देखना। और अगर हमने मैक्रो एनवायरमेंट को एनालाइज करना है तो वो हम एनालाइज करेंगे थ्रू पेस्टल फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर को देखेंगे। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव हैं तो क्या है हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे। और अगर ये हमारे बिजनेस के लिए नेगेटिव हैं तो क्या है? थ्रेट्स हैं, मीन ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने से हमें रोकेंगे, हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ, अगर हमने इंडस्ट्री एनवायरमेंट को एनालाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मॉडल हैं। एक का नाम है जी पॉटर्स फाइव फोर्सेज मॉडल, और एक है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल। पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल मॉडल। अभी तक हमने पोर्टर फाइव फोर्सेस पढ़ा है, लाइफ साइकिल क्या है कहीं पे पढ़ेंगे बाद में। पोर्टर फाइव फोर्सेस में हमने क्या करना है? पांच कंपेटिटिव फोर्सेस को देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं। क्यों? अगर ये पांचों फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? पांचों फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? पांचों फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है, मीन स्ट्रांग है तो अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है? थ्रेट है। हाँ, अगर ये पांचों फोर्सेस वीक हैं, लो हैं, तो फिर हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है, स्ट्रांग है, तो थ्रेट है, क्यों? कभी भी कोई नया इन्वेस्टर एंटर होकर हमारे बिजनेस पोजिशन को अफेक्ट कर सकता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है, मीन बैरियर टू एंट्री है, तो ये क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मीन अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, क्यों? नया इन्वेस्टर हमें आके छेड़ नहीं सकता। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है, स्ट्रांग है, तो ये क्या है? थ्रेट है, क्यों? कस्टमर कभी भी सब्स्टिट्यूट पे मूव हो गया तुम्हारा बिजनेस पोजिशन अफेक्ट होगी। नहीं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो है, वीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्यों? कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे मूव नहीं हो सकता, मीन हमें सब्स्टिट्यूट तंग नहीं कर सकते, क्यों? है ही नहीं, ना होने के बराबर है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है, स्ट्रांग है, तो हमारे लिए थ्रेट है, क्यों? सप्लायर कभी भी प्राइस इंक्रीज करके, सप्लाइज अफेक्ट करके हमारे बिजनेस पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वीक है, हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, तो दिस मीन ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम सप्लायर को कभी भी परेशानी नहीं फेस करना पड़ेगी, क्यों? जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, क्यों? उसकी बार्गेनिंग पावर वीक, हमारी स्ट्रांग है। कब? जब हमारे पास मैनी सप्लायर्स हैं, जब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव है, जब उसकी प्रोडक्ट हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, जब हम उसकी मजबूरी हैं, वो हमारी मजबूरी नहीं, हम उसकी मजबूरी हैं कि उसके बिजनेस की सेल हमारे अलावा कहीं नहीं हो सकती, क्यों? वो चीज़ ही ऐसी बनाता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ही नहीं, कस्टमर डायरेक्टली उसे कंज्यूम कर ही नहीं सकता, हमारी प्रोडक्ट्स के थ्रू ही कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचेगी, तो हम उसकी मजबूरी हैं। दिस मीन सप्लायर की बार्गेनिंग पावर वीक है, तुम्हारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी मर्जी से डिस्काउंट भी एग्री कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से डिलीवरीज भी एग्री कर सकते हैं, क्या कहला? मीन हम उसके कस्टमर हो गए, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग। बिजनेस के लिए थ्रेट होगा जब कस्टमर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, जब वो मेजर कस्टमर है, जब हमारी प्रोडक्ट अनडिफ्रेंशिएटेड है, और जब उसे लो स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है।
तो कभी भी मूव हो गया तुम्हारा बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहा है? नहीं मार लिया, अपॉर्चुनिटी है जब कस्टमर बारगेनिंग पावर लो है। क्यों? मेजर कस्टमर नहीं है, हमने मेजर बने नहीं दिया, बहुत सारे कस्टमर हमने रखे हुए, एक आध चूचा करता भी भाड़ में जा, बाकी है हमारे पास। जब हमारी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है, मीन हम कुछ ऐसा दे रहे हैं जो इंडस्ट्री मार्केट में कोई और दे ही नहीं रहा, कस्टमर की मजबूरी है, उसने हमारे पास ही आना है, क्यों ये चीज़ उसको कहीं और से मिल ही नहीं सकती, तो हम अपनी मर्जी से हाई प्राइस चार्ज करके अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं, पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। जब कस्टमर को कहीं और मूव होने पे हाई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, तो उसकी बारगेनिंग पावर वीक, हमारी स्ट्रांग है, हम अपनी मर्जी करेंगे, अपनी मर्जी से हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्या कह रहा है? थ्रेट होगा हमारे लिए जब कंपेटिटिव राइवलरी स्ट्रांग होगी, मैनी कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज या सेम है टू आर बिजनेस, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो हो गया, हमारी प्रोडक्ट अनडिफ्रेंशिएटेड है, बैरियर टू एग्जिट विदड्रॉल कॉस्ट हाई है, तो इस सूरत में क्या होगा? कंपेटिटिव राइवलरी स्ट्रांग मीन हमारे लिए थ्रेट, ये कंपटीशन हमें हर वक्त पिंच करता रहेगा, ये गंद हमें तंग करता रहेगा, हमारी पोजीशन को अफेक्ट करता रहेगा। कभी भी कंपेटिटर ने कुछ नया किया, तुम्हारा बिजनेस तबाह हो सकता है। क्या कहला? कंपेटिटिव राइवलरी वीक होगी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कब? जब फ्यू कंपेटिटर्स हैं, फ्यू हैं तो हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें हम आई रख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं हम भी वो कर सकते हैं। कंपेटिटिव राइवलरी वीक होगी जब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है। कंपेटिटिव राइवलरी वीक होगी जब हमारे बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कम्पेयर टू कंपेटिटर। कंपेटिटिव राइवलरी वीक होगी जब हमारी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है। और कंपेटिटिव राइवलरी वीक होगी जब विड्रॉल कॉस्ट लो है। तो कुछ भाग जाएंगे, तो भागने से भी क्या होगा? अगर अभी गंद है तो फ्यूचर में ये गंद खत्म हो जाएगा, मीन हम अपनी पोजिशन को मेनटेन रख लेंगे। क्या ख्याल है? पढ़ चुके हम एक्सटर्नल एनालिसिस पेस्टल के थ्रू कैसे परफॉर्म करना है, कुछ अच्छे 8, 9, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, और पोर्टर 5 फोर्सेज के अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, कि एक दो और आगे फ्यूचर में करेंगे। बिजनेस पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल एनालिसिस भी परफॉर्म करना है, मीन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे बुरे फैक्टर्स देखने हैं। और क्या देखना है हमने इंटरनल एनालिसिस में? हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सिस को देखना है और रिसोर्सफुलनेस को देखना है। क्या देखना है? रिसोर्स एंड रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्स देखना है कि हमारे पास अच्छे रिसोर्सिस हैं या नहीं है। कौन से रिसोर्सिस? ह्यूमन रिसोर्सिस, मीन बंदे अच्छे क्वालिफाइड कंपिटेंट एक्सपर्ट हैं या नहीं है। हैं तो पोजीशन स्ट्रांग होगी, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी, और अगर गंदे निकम्मे अनपढ़ जाहिल हैं तो क्या ये पोजीशन स्ट्रांग करेंगे या वीक करेंगे? वीक करेंगे, मीन इससे हमारी पोजीशन अफेक्ट होगी। फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने, हमारे पास अच्छा पैसा है या नहीं है, कैश रिजर्व अच्छे हैं या नहीं है, कैश बैलेंस अच्छे हैं या नहीं है, गेयरिंग हमारी लो है या नहीं है। क्यों? गेयरिंग लो का मतलब क्या है? कि आप कभी भी पैसा की जरूरत पड़े तो बैंक से लोन ले सकते हो, क्यों? आप लो रिस्की हो। गेयरिंग हाई का मतलब क्या है? डेट ओवर इक्विटी, मीन डेट ज़्यादा है इक्विटी कम है, मीन आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट पे चल रहे हो, तो बैंक फिर इस सूरत में मजबूरी जब आपको पड़ी है पैसे की जरूरत है तो बैंक लोन नहीं देगा, मीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके अच्छे नहीं हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छे हैं, दिस मीन कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली हम फौरी पैसा लगा के अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास ना खुद कैश है, उल्टा गियरिंग भी हाई है, तो कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या हम कैप्चर कर सकते हैं? नहीं, तो ये चीज़ हमारी पोजीशन को वीक करेगी। क्यों? कंपेटिटर एक्वायर करेगा वो अपॉर्चुनिटी, तो वो बेनिफिट ले जाएगा, उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, मीन कंपटीशन हमसे डील नहीं होगा। रिसोर्सेज में हमने क्या देखना है? ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज भी देखने हैं। फिजिकल मीन हमारे पास एसेट टेक्नोलॉजी मशीनरी अच्छी है या नहीं है। हमारी मशीनरी प्लांट 20 साल पुराना है, तो पिछले 20 सालों में तो दुनिया बहुत ज़्यादा बदल गई है, तो आप में से कुछ लोग शायद पैदा भी हुए होंगे, मीन ऐसी ऐसी शक्लें भी दुनिया में आई हैं, तो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। क्या ख्याल है? हमारा प्लांट 20 साल पुराना है, तो टेक्नोलॉजी आई ही पिछले 20 सालों में। दिस मीन हमारा प्लांट 20 साल पुराना है, तो ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगा, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होगा, उस वक्त में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो हम फॉरेन कंपेटिटर की प्राइसेस को कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ भी हमारी पोजीशन को वीक करेगी। तो देखना है हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं या नहीं है, कौन से? ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल। क्यों हैं? तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ हैं जो हमारी पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन रखने में हेल्प देंगी। नहीं अच्छे रिसोर्सेज, तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस है जो हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर रही है या फ्यूचर में कर सकती है।
लेकिन कहता है रिसोर्सेज सिर्फ अच्छे होना इनाफ नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या नाम दिया गया है? रिसोर्सफुलनेस। बंदे अच्छे हैं, बड़े कंपिटेंट एक्सपर्ट लोग हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम उनको कोई अथॉरिटी पावर डेलीगेट कर ही नहीं रहे, उन पे चीज़ें हम गधे इम्पोज ही किए जा रहे हैं, उनकी स्किल्स को यूटिलाइज कर ही नहीं रहे, तो क्या ये अच्छी बात है बुरी बात है? इंटरनल स्ट्रेंथ हुई या वीकनेस हुई? वीकनेस हुई। क्या कहला है? क्यों? सिर्फ रिसोर्सेज अच्छे होना इनाफ नहीं है, उनकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होना ज़रूरी है। क्यों? अच्छी यूटिलाइजेशन हो रही है तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ है, और अगर अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस। टेक्नोलॉजी है लेकिन सब हम अभी तक मैनुअली चलाई जा रहे हैं, कंप्यूटराइज की तरफ जा ही नहीं रहे। टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट हमारे पास बहुत अच्छे आईटी इंजीनियर्स का है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम ऑनलाइन बिजनेस में गए ही नहीं है। हम मार्केटिंग अभी भी बोर्ड लगा के किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ही नहीं रहे, हमारी कोई अभी तक वेबसाइट है ही नहीं। क्या कहला है? तो अच्छा आईटी डिपार्टमेंट है लेकिन अगर ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं हो रही, कोई वेबसाइट नहीं है, तो क्या रिसोर्सेज अच्छे यूटिलाइज हो रहे हैं? नहीं, उनको सर में मारना, या तो उनको फिर गोली मार दो या फिर उनसे ये काम कराओ, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आओ, ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आओ, अपनी कोई वेबसाइट बनाओ ताकि वो आईटी डिपार्टमेंट की स्किल्स को यूटिलाइज करके बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट किए जा सके। क्या कहला है? तो इंटरनल एनालिसिस में हमने क्या देखना है कि हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं या नहीं, और उनकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही या नहीं हो रही। क्यों? अच्छे रिसोर्सेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही है तो ये क्या है? हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ। और अगर अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं या उनकी यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं हो रही तो ये क्या है? हमारी इंटरनल वीकनेस। मीन एक्सटर्नल एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल एनालिसिस हमने परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कैसे हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसे नाम दिया जाता है पॉटर्स वैल्यू चेन का, जो आज हमने कवर करना है। कहाँ पे ये मॉडल? बुक में हमारी चैप्टर 8 में है। मीन आज हम चैप्टर 7 से चैप्टर 8 में मूव हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है पॉटर वैल्यू चेन। बुक बांधी रखो, बस बोर्ड पे देखो क्या हो रहा है। पॉटर वैल्यू चेन की बात करते हैं। क्या सो अकॉर्डिंग टू पॉटर वैल्यू चेन का मतलब क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। थ्रू विच बिजनेस क्रिएट वैल्यू। वैल्यू चेन का मतलब क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन रिसोर्स एंड रिसोर्सफुलनेस। प्रोसेसेस क्या होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो चाहे रिसोर्स एंड रिसोर्सफुलनेस है, चाहे इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस हैं, दोनों क्या हैं? इंटरनल हैं। तो वैल्यू चेन का मतलब क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, आपके ऑपरेशन, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज। इन सिंपल वर्ड क्या है? बिजनेस की एक्टिविटीज, जिनके थ्रू बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है। वैल्यू का मतलब होता है बेनिफिट्स क्रिएट करता है, मार्जिन क्रिएट करता है या प्रॉफिट क्रिएट करता है। क्यों? अगर आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन रिसोर्स एंड रिसोर्सफुलनेस अच्छी होगी, दिस मीन वहां से अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो कस्टमर हाई विलिंग टू पे होगा, तो उससे बिजनेस को वैल्यू मीन बेनिफिट क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। और अगर आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस वैल्यू चेन अच्छी नहीं है, मीन रिसोर्स एंड रिसोर्सफुलनेस अच्छी नहीं है, तो क्या अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकती हैं? नहीं। तो क्या कस्टमर आपकी गुड सर्विसेज को मुंह लगाएगा तो क्या बिजनेस को वैल्यू मिलेगी? नहीं। तो वैल्यू चेन का मतलब क्या है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन बिजनेस की एक्टिविटीज, जिनके थ्रू बिजनेस वैल्यू मीन बेनिफिट क्रिएट करता है, ज्यादा या फिर कम या फिर नहीं। कब ज्यादा? जब वैल्यू चेन अच्छी है। कब बिजनेस को वैल्यू नहीं मिलेगी? जब वैल्यू चीज अच्छी नहीं है, मीन आपकी बिजनेस एक्टिविटीज अच्छी नहीं है। क्यों? उससे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी तो कस्टमर आपको वैल्यू
नहीं देगा। वो कहता है ये जो वैल्यू है ये डिफाइन कौन करता है बिजनेस की? कहता है जी वैल्यू जो है वो डिफाइंड बाय कस्टमर होती है। एक बिजनेस की वैल्यू या एक बिजनेस का बेनिफिट हाई है या लो है ये कौन डिफाइन करेगा? कस्टमर डिफाइन करेगा। कस्टमर ज्यादा है आपके पास, आपकी गुड सर्विसेज को मुंह लगा रहा है, प्रेफर कर रहा है, तो आपके बिजनेस की वैल्यू मीन बेनिफिट बढ़ेंगे। कब बिजनेस को वैल्यू नहीं मिल रही? जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज को मुंह नहीं लगा रहा। सो वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? कस्टमर। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम वैल्यू को डिफाइन करें, होता है वैल्यू का मतलब क्या है? हाउ मच कस्टमर विलिंग टू पे, कि कस्टमर कितना विलिंग टू पे है अगेंस्ट योर गुड्स एंड सर्विसेज। कस्टमर हाई विलिंग टू पे है कब? जब उसे अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज मिलेंगी। और कब मिलेंगी? जब आपकी वैल्यू चेन में इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे होंगे। कस्टमर हाई विलिंग टू पे नहीं होगा कब? जब आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज में जान नहीं है। क्यों जान नहीं है? आपकी वैल्यू चेन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे नहीं है, मीन वहां से अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसलिए अपनी पोजीशन को स्ट्रांग मेंटेन रखने के लिए, अपने बिजनेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कस्टमर प्रेफरेंस जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? इंटरनल एनालिसिस करना है, मीन अपनी वैल्यू चेन को देखना है, उसके अंदर कोई मसले हैं तो वो ख़त्म करना है। क्यों? वो ख़त्म होंगे तो हाई क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और कस्टमर क्या होगा? हाई विलिंग टू पे होगा। हाई विलिंग टू पे होगा मीन आपके बिजनेस को क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट मीन वैल्यू। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वैल्यू चेन है क्या? रिजोर्स एंड रिजोर्सफुलनेस, एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस या इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिस, जिसके थ्रू अच्छी या गंदी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी है और उसकी बेस पर कस्टमर ने आपको वैल्यू देनी है, ज़्यादा या कम या फिर नहीं। क्या कहला है? ज़्यादा वैल्यू कब मिलेगी? जब अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज दे रहे हो। और अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज देने के लिए आपको इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिस का अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छे नहीं है तो अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगी। क्या कहला है? आपके ऑपरेशन अच्छे होना ज़रूरी है, आपके रिसोर्सेज अच्छे होना ज़रूरी है, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन अच्छी होना ज़रूरी है। नहीं है तो कस्टमर नहीं अट्रैक्ट होगा। सो वैल्यू चेन का सिंपल मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एक्टिविटीज मीन बिजनेस के ऑपरेशंस। अकॉर्डिंग टू पॉर्टर, एक बिजनेस की वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज। तो कहता है एक बिजनेस की वैल्यू चेन में कोई 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। प्राइमरी और कोई 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं। और जब भी हमने इंटरनल एनालिसिस करना है तो हमने क्या करना है? ये 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करना है कि आइदर ये स्ट्रांग हैं या फिर वीक हैं। इंटरनल एनालिसिस करना है कैसे? पोर्टर वैल्यू चेन के थ्रू। वैल्यू चेन को एनालाइज करना है, वैल्यू चेन मीन एक्टिविटीज को एनालाइज करना है। कौन सी एक्टिविटीज? 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी, मीन ये 5 और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज को एनालाइज करने से हमें इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलेगा। जैसे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का कैसे पता चलता है? 6 पैसल फैक्टर्स के थ्रू, या पोर्टर 5 फोर्सेज की 5 कंपैटिव फोर्सेज के थ्रू। तो इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसे पता चलेगा? बिजनेस की 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज को एनालाइज करने के थ्रू। क्या है 5 प्राइमरी एक्टिविटीज? इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड सर्विसेस। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेस। और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज क्या हैं? कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रक्योरमेंट, जिसको परचेज का नाम भी दिया जाता है, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स।
अकॉर्डिंग टू पॉटर, वैल्यू चेन का मतलब क्या है? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. और एक बिजनेस की वैल्यू चेन में 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं. और जब आपने इंटरनल एनालिसिस मीन वैल्यू चेन को एनालाइज करना है तो ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 सपोर्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करना है कि आइदर ये स्ट्रांग हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ हैं, और अगर ये वीक हैं तो इंटरनल वीकनेसेस हैं. सो 5 हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज ये हैं. इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई 4 सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं. ये 4 सपोर्ट एक्टिविटीज क्या हैं? यूं समझो कि ऑर्गेनाइजेशन के कोई 4 डिपार्टमेंट्स हैं. कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने क्या करना है, कंपनी के अंदर पॉलिसीज, लॉ, रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करना है. या ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि आइदर फॉर्मली डिफाइन है या फिर नहीं है. या इसे हम क्या कह सकते हैं? फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, मीन अच्छी मैनेज किया हुआ है फाइनेंस को, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को, या नहीं किया हुआ. या इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कंपनी का कोई कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग सिस्टम है कि आइदर क्विक है, फास्ट है, या फिर स्लो है. या हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी की कोई बिल्डिंग है जहां से आपको जो है वो कोई स्पेस मिलना है काम करने के लिए, इनफ है या फिर नहीं है. मीन ये सपोर्ट करेगा कि इसको हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज को, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स रेगुलेशन की कंप्लायंस के थ्रू, कंपनी का स्ट्रक्चर प्रिसाइजली फॉर्मली डिफाइन है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के चार्ट के थ्रू डिफाइन है या नहीं है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अच्छी है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्विक है या नहीं है, और बिल्डिंग स्पेस जितना चाहिए उतना अवेलेबल है या नहीं है. जो किसने मैनेज करना है? एडमिन ने ही मैनेज करना है. क्यों? अगर एडमिन अच्छी है, जिसने प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, रूल्स रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर कर रही है, फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज कर रही है, कंपनी की बिल्डिंग स्पेस जितनी चाहिए उतनी उन्होंने मैनेज अरेंज की हुई है, डिसीजन क्विक लेती है, तो इंटरनल स्ट्रेंथ है. लेकिन अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो क्या है? इंटरनल वीकनेस. और इनकी बेस पर ये भी फिर स्ट्रांग नहीं हो सकती. परचेज, प्रोक्योरमेंट बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट को. इसका काम क्या होता है? बाय करना, मीन बाइंग ऑफ इन्वेंट्री या एसेट. मीन कोई इन्वेंट्री या कोई एसेट बाय करना है तो किसने बाय करना है? प्रोक्योरमेंट मीन परचेज डिपार्टमेंट ने. अब ये अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा कब? जब ये अच्छी बाइंग कर रहा है. अच्छी बाइंग क्या है? कि आपने जब कोई चीज बाय करनी है तो ऐसे ही मुंह उठा के जाके बस बाय नहीं कर लेनी. आपको पहले सप्लायर से कोटेशंस लेनी है, देखना है कौन ज्यादा अच्छी क्वालिटी लो प्राइस पे प्रोवाइड कर रहा है, उसे ऑर्डर प्लेस कर रहा है. क्योंकि अगर ये बगैर कोटेशन के बाइंग कर रहे हैं तो दिस मीन शायद कोई अच्छी क्वालिटी लो प्राइस पे और मिल सकती थी जो क्या होगी? इग्नोर होगी. तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस है. परचेज डिपार्टमेंट अच्छा कब होगा? जब इसने आपकी सप्लाई सिक्योर की हुई है, मीन सप्लायर के साथ इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन किया हुआ है कि आपको जब माल चाहिए, ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा भी देता है, जब कम चाहिए तो कम भी दे देता है, जब आपको इमरजेंसी में माल चाहिए तो तब भी आपको मिल जाता है. मीन सप्लायर आपको तंग नहीं कर रहा, मीन उन्होंने अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए सप्लायर के साथ, तो आपका परचेज डिपार्टमेंट स्ट्रांग है. अगर सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं किए हुए, सप्लायर आपकी बजाय किसी और बिजनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी परचेज में प्रोवाइड नहीं करता, दिस मीन इन्होंने अच्छे रिलेशन मैनेज नहीं किए हुए, तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस है. इन्होंने सप्लाईज का जो सोर्स है वो सिक्योर किया हुआ है तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, सप्लाई का सोर्स सिक्योर नहीं किया हुआ तो फिर क्या है? इंटरनल वीकनेस है. आईटी टेक्नोलॉजी क्या है हमारा बिजनेस का? आईटी डिपार्टमेंट, जिन्होंने क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज ऑफ आईटी को फैसिलिटेट करना है. जिन्होंने क्या करना है? कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इनोवेशन लाने में बिजनेस को हेल्प देनी है. अब अगर तो इनके थ्रू R&D के थ्रू कोई नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाने में हमें हेल्प दे रहे हैं, नए प्रोडक्शन मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प दे रहे हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग के हमें मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प दे रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रेंथ है. लेकिन अगर ये कोई ना तो मार्केटिंग टेक्निक हमें बता रहे हैं, ना कोई नई प्रोडक्शन मशीनरी की हमें हेल्प दे रहे हैं, ना कोई प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज करने में हेल्प दे रहे हैं, इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प नहीं दे रहे, तो क्या है? इंटरनल वीकनेस है. HR ह्यूमन रिसोर्स, HR डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट.
क्या काम होता है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, या एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन जो है वो आपने मेंटेन करनी है, और कैसे मेंटेन करनी है? थ्रू रिवॉर्ड। अब अगर तो ये अच्छे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने में हमें हेल्प दे रहे हैं तो एचआर डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, मीन इंटरनल स्ट्रेंथ है। और अगर ये अपने चाचे मामे ताए के गधे जो है वो अनपढ़ जाहिल रिक्रूट करके हमें दे रहे हैं तो फिर क्या है? एचआर डिपार्टमेंट में इंटरनल वीकनेस है। लोगों को ट्रेनिंग चाहिए और ये वाकई ही प्रॉपरली अच्छा ऑन टाइम ट्रेन करने में हमें हेल्प दे रहे हैं तो एचआर डिपार्टमेंट स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये लोगों को प्रॉपरली ट्रेन नहीं कर पा रहे कि उनको खुद नहीं पता कि क्या स्किल होती हैं या इनको ट्रेन करना नहीं आती तो इंटरनल वीकनेस है। हाँ, अगर ये लोगों के साथ डिस्कस करके उन्हें रिवार्ड दे रहे हैं, जिसको पैसा चाहिए उसे पैसा, जिसको अथॉरिटी पावर चाहिए उसको वो, तो लोगों को मोटिवेट करने में हेल्प दे रहे हैं और लोग मोटिवेट होंगे तो हार्डर वर्क परफॉर्म करेंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प देंगे। और मोटिवेशन के पीछे रीज़न कौन है? ये डिपार्टमेंट की इंटरनल स्ट्रेंथ। और अगर हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनको काम दे, उनकी शक्ल पहले सड़ी बनी होती है, उनकी कोशिश होती है काम को अवॉइड किया जाए, मीन काम की तरफ उनका दिल नहीं लग रहा, रीज़न क्या है? उन्हें शायद रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं दिए जा रहे या उनके साथ डिस्कस करके रिवॉर्ड नहीं दिए जा रहे। तो मोटिवेशन इम्पैक्ट भी किसने क्रिएट करना है? एचआर डिपार्टमेंट ने। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो ये इंटरनल वीकनेस है। इन एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करके डायलॉग के थ्रू उन्हें सेटिस्फाई करना आता नहीं है। क्या कहला? सो ये कहें चार हमारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, जो हमारी ये पांच प्राइमरी एक्टिविटीज़ के मसले रिजॉल्व करने में हेल्प देंगी। कब? जब ये खुद स्ट्रांग होंगे। हाँ, अगर ये खुद वीक हैं तो फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमारी वीक ही रहेंगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, परचेज डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। हमारी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं? पांच प्राइमरी एक्टिविटीज़, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल एंड सर्विसेज। अब इनका नॉलेज लेते हैं। ये क्या कहता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है? हाउ इनपुट्स आर हैंडल्ड। कि हम इनपुट्स को कैसे हैंडल करते हैं, मतलब क्या हुआ? मटेरियल जो है उसकी परचेजिंग, उसकी डिलीवरी, उसकी स्टोरेज और उसकी हैंडलिंग। कि हम अपने बिजनेस के लिए जो मटेरियल है, इनपुट्स है, वो कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे बिजनेस में लेके आते हैं, लाने के बाद उसे क्या करते हैं। अब इसमें भी कुछ मसले हो सकते हैं। हम सप्लायर से मटेरियल लेते हैं और लाने के बाद उसे स्टोर करते हैं बिफोर पुटिंग इनटू प्रोडक्शन। कोई मसला है इसके अंदर? स्टोरेज कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ रही है, जो हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, हमारी पोजीशन को वीक कर सकती है, बचाई जा सकती है। कैसे? स्टोरेज कॉस्ट कैसे बचाई जा सकती है? एक टर्म होती है जस्ट इन टाइम, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है? कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब ही मटीरियल बाय करो, और बाय करते ही सीधा कहाँ पर आए? प्रोडक्शन में, जिससे होल्डिंग कॉस्ट बच जाएगी। क्या कहना? हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल सप्लायर से बाय करते हैं और उसको अपने बिजनेस में ले के आते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं? अपनी वैन या ट्रक यूज़ कर रहे हैं। और अपनी वैन या ट्रक यूज़ कर रहे हैं तो हर 3 साल बाद वो खटारा हो जाती है, हमें दोबारा से उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या ये अपनी वैन ट्रक जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसका पेट्रोल भी खुद यूज़ कर रहे हैं, इसका ड्राइवर कंडक्टर भी खुद कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, 3 साल बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रही है, क्या ये कॉस्ट बचाई जा सकती है? कैसे? कि अगर हम सप्लायर के साथ निगोशिएशन कर दें कि वो हमारे प्रिंसिस पे हमें डिलीवर कर दे, इसके लिए माइट भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, लेकिन हमारी बहुत सारी कॉस्ट सेविंग इससे बच सकती है। तो देखना है क्या मसला है और कैसे रिजॉल्व किया जा सके। ये क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। हम मटीरियल बाय करते हैं और बाय करने के बाद सीधा ला के बस स्टोर में रख देते हैं, देखते ही नहीं है कि वो क्वालिटी जो हमने ऑर्डर की थी वो है या नहीं है, उसमें टूटे फूटे डैमेज यूनिट्स भी आ जाते हैं, जिसका हमें बाद में लॉस बेयर करना पड़ता है।
तो क्या होना चाहिए? जब मटेरियल आ गया है तो बिज़नेस स्टोर में जाने से पहले उसका क्वालिटी और क्वांटिटी चेक परफॉर्म होना चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, फिर जाके अंदर स्टोर में एंटर होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी चेक परफॉर्म नहीं हो रहा तो इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस, वीकनेस मीन देखने हैं क्या मसले हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। डिलीवरी हम खुद लेके आ रहे हैं, उस पर कॉस्ट आ रही है, तब हमने सप्लायर के साथ निगोशिएशन करनी है कि वो हमारी प्रीमिसेस तक डिलीवर करे। तो ये निगोशिएशन करने के लिए सपोर्ट चाहिए किसकी? सपोर्ट चाहिए किसकी? परचेज डिपार्टमेंट की। इसने सप्लायर को ऐसा फाइंड करना है जो हमारी प्रीमिसेस तक डिलीवर कर दे, या करंट को एग्री करना है कि वो हमें माल डिलीवर करे। जस्ट इन टाइम पे जाना है तो इसमें भी हमें कोई सप्लायर ऐसा फाइंड करना पड़ेगा जो हमें फौरी माल दे दिया करे जब ज़रूरत पड़े। तो ऐसा सप्लायर फाइंड करना, अरेंज करना, सिक्योर करना किसका काम है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है। ये बात समझ आती है। ऑपरेशन क्या है? कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। कि हम इनपुट को जो रॉ मटेरियल मिलता है इसको आउटपुट मीन फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीन हमारे प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, आइदर लेबर इंटेंसिव हैं या फिर मशीन इंटेंसिव है। हमारे प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, आइदर लेबर इंटेंसिव हैं या फिर मशीन इंटेंसिव है। अच्छी चीज़ क्या है, लेबर इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव? मशीन इंटेंसिव। क्यों? लेबर इंटेंसिव एफिशिएंट नहीं है। लेबर इंटेंसिव में कॉस्ट ज़्यादा आती है। क्यों? लेबर 8 घंटे काम करेगी, मशीन 24 घंटे काम करेगी, तो पर यूनिट कॉस्ट सेविंग हमारी ज़्यादा होंगी जब हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। लेबर कभी भी सेम साइज़ सेम शेप के सारे यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मशीन सेम साइज़ सेम शेप के प्रोड्यूस करेगी, मीन क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। लेबर में वेस्टेज ज़्यादा होगी, मशीन में वेस्टेज कम होगी। क्यों? जो वेस्टेज होगी वो भी साथ साथ रिसाइकल होता रहेगा। तो इसलिए अगर हमारे ऑपरेशन मशीन इंटेंसिव नहीं है तो इंटरनल वीकनेस है। तो अगर हमने मशीन इंटेंसिव पे जाना है तो हमें सपोर्ट चाहिए। कहाँ से? कौन सी मशीनरी लेनी है ये बताएंगे, वो मशीनरी बाय करके कौन देंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, मशीनरी रखने के लिए स्पेस चाहिए वो कौन देंगे, वो मशीनरी के लिए स्टाफ भी चाहिए चलाने के लिए वो कौन देंगे। प्रोक्योरमेंट वाले में इनकी सपोर्ट से इनके मसले हमने रिजॉल्व करने हैं। नहीं भाई, हमारा काम है, हम बैंक हैं और हमारे ऑपरेशन मशीन इंटेंसिव नहीं हो सकते, लेबर इंटेंसिव ही रहेंगे। हो सकते हैं मशीन इंटेंसिव? नहीं, लेबर इंटेंसिव ही रहेंगे। बैंक हम सर्विस देते हैं, सर्विस किसके थ्रू देनी है? लोगों के थ्रू। लेकिन हमारा ये जो बैंक स्टाफ है ना, ये बड़ा ही गलीज है। इसको पता ही नहीं है क्लाइंट आ गया है, कस्टमर आ गया है, तो उसे कैसे ट्रीट करना है। एक बड़ा कस्टमर आता है, वो आके बैठा रहता है, ये उसे चाय शाय पूछते ही नहीं, उसे पूछते ही नहीं तो कैसे आया। वो इनसे कोई बात करता है, आगे से कार्ड लेते हैं, दो मिनट वेट करें, उधर बैठे आपको बुलाते हैं। और यूँ कस्टमर जो है वो मूव होके जा रहे हैं अदर बैंक्स की तरफ। क्यों? अदर बैंक्स में जब बड़ा कस्टमर जाता है तो बैंकर खड़े हो जाते हैं, सर कैसे हैं आप, उसको चेयर देते हैं, सर आए बैठे। वो चाय नहीं भी पीना चाहता, चाय ले आ तो आगे रख दे, क्या कहला है, उसको लाइक अ पी ट्रीट करते हैं। वो जाने लगा है तो उसको बाहर तक छोड़ने जाएंगे, बेशक मुंह धो के नहीं आया लेकिन उसे लाइक अ पी ट्रीट करना होगा। क्यों? सर्विस बिजनेस के अंदर आपको कस्टमर को वैल्यू इंपॉर्टेंस देना होगी। उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये कस्टमर को अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे? पुराने बाबे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको मॉडर्न टेक्निक्स का पता ही नहीं है कि कस्टमर को कैसे डील करना है। तो इंटरनल स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? तो इसे कैसे चेंज किया जा सकता है? एचआर के थ्रू कि इनकी ट्रेनिंग करो रासलों की, या इन बाबों को उठा के पीछे फेंको और नए फ्रेश क्वालिफाइड लोग ला के जो आगे फ्रंट डेस्क पे बिठाओ, जो क्या करें, कस्टमर आए तो उसे स्माइल दें और उसे लाइक आ पी ट्रीट करें। क्यों ये नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस की इंटरनल वीकनेसेस हमारी पोजिशन को वीक कर देंगे, क्या ख्याल है? तो जो भी मसले हमने रिजॉल्व करने हैं किनके थ्रू? इनके थ्रू। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है? हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड, हाउ आउटपुट्स आर हैंडल्ड प्लस डिलीवरी। कि जो फाइनल हमारी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। हमारी जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं उसे हम स्टोर करते हैं बिफोर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। मसला है, स्टोर कर रहे हैं तो स्टोरेज कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, होल्डिंग कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं तो पड़ी पड़ी चीज़ें चोरी भी हो सकती हैं,
पड़ी पड़ी ऑब्सोलीट भी हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं कैसे, जस्ट इन टाइम पे अगर हम चले जाएं, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया हमने चीज़ बनाई और बना के सीधी कस्टमर के मुंह पे दे मारी, स्टोरेज कॉस्ट भी बच गई, चोरी होने का खर्चा भी बच गया और ऑब्सोलीट होने का खर्चा भी बच गया। लेकिन इसके लिए हमारे ये जो प्रोडक्शन मैथड्स हैं ये हमें फिर एफिशेंट मीन क्विक फास्ट बनाना पड़ेंगे, लेबर इंटेंसिव नहीं मशीन इंटेंसिव बनाना पड़ेंगे, ताकि मशीन में फॉरी रॉ मटेरियल एंटर किया, मशीन चला दी और उसने गुड्स प्रोड्यूस किए और सीधी कस्टमर की तरफ। या क्या है डिलीवरी, कि हम कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। आइदर डिलीवर करने के लिए हमने अपनी वैन ट्रक रखा हुआ है जो कस्टमर को डिलीवर करके आता है, या हम किसी कोरियर कंपनी के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू डिलीवर करते हैं। कौन सा मेथड अच्छा है, किसी के थ्रू डिलीवर करना या अपनी वैन ट्रक के थ्रू, डिपेंड करता है। अगर तो आपकी फ्रीक्वेंट डिलीवरीज हैं, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं, तो फिर आपको अपनी वैन ट्रक यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा। हाँ, अगर कभी कभार महीने में एक दो डिलीवरीज हैं तो फिर अपनी वैन ट्रक रख के ड्राइवर का पूरे महीने का खर्चा ये बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोरियर या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू डिलीवर करना जो है वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। क्या ख्याल है? अब हमारी पहले कभी एक बार डिलीवरीज होती थी, हम कोरियर कंपनी के थ्रू कर रहे थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन बिजनेस में चले गए, ऑनलाइन बिजनेस में चले गए तो अब डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या अभी हमें कोरियर कंपनी के थ्रू चलना चाहिए? नहीं, अगर चल रहे हैं तो क्या है, इंटरनल वीकनेस। तब हमें क्या करना चाहिए, अपनी डिलीवरी सर्विसेज जो है वो अरेंज करनी चाहिए, अपनी वैन ट्रक जो है वो बाय करना चाहिए। और ये बाय करने में हेल्प देगा कौन, पैसा देगा कौन, उसे चलाने के लिए बंदे देगा कौन, ये चार डिपार्टमेंट। इनकी स्पोर्ट से हमने क्या करना है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के मसलों को रिजॉल्व करना है। एक और हमारी मेन एक्टिविटी है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग का मतलब क्या है, हाउ टू अट्रैक्ट, एक्सप्लॉइट या परसुएट द कस्टमर। मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना के भाई ये चीज हमने बनाई है आ जा, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना कि ये चीज जो हम तुझे दे रहे हैं इतने में, ये तुझे पूरी दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी इतने में, लिहाजा आ जा। या कस्टमर को परसुएड करना, असरअंदाज करना, कि एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना किसी सेलेब्रिटी के थ्रू जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और कस्टमर को कहना कि अगर तू ये चीज़ बनना चाहता है, रोनाल्डो बनना चाहता है, तो रोनाल्डो ये चीज़ खा पी रहा है तो तुझे ये खाना पीना पड़ेगी, आ जा। मीन मार्केटिंग का पर्पज़ क्या है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना, या कस्टमर को परसुएड करना। और अगर हमारा डिपार्टमेंट उसे प्रॉपरली एक्सप्लॉइट, अट्रैक्ट, परसुएड कर पा रहा है तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं कर पा रहा तो फिर क्या है, इंटरनल वीकनेस है। अब कहता है मार्केटिंग करते वक्त आपको क्या करना है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग को कंसीडर करना है। 4 P's क्या है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। मार्केटिंग करते वक्त आपको पहले तो अपनी प्रोडक्ट जो है वो एप्रोप्रिएट चूज करनी है, जिसे वाकई ही आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको। क्यों, अगर आपकी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं है, जिसके आप बोर्ड लगा रहे हो या लोगों को दिखा रहे हो, तो फिर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट एप्रोप्रिएट आपको चूज़ करना ज़रूरी है, जो क्या होनी चाहिए, थोड़ी यूनिक होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएटेड होनी चाहिए। क्यों, अगर बाकी कंपेटिटर भी वही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो आप मार्केट कर रहे हो, तो फिर कोई कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होने वाला। तो उसके अंदर कोई यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, कोई इनोवेटिव नई प्रोडक्ट होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पीछे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, जिससे कोई नई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सको। प्राइस आपको देखना है कि क्या सेट करनी है, हाई या लो, डिपेंड करता है आपके कस्टमर पे कि आप किस कस्टमर क्लास को टारगेट करने जा रहे हो। हाई क्लास कस्टमर को टारगेट करने जा रहे हो तो कभी भी लो प्राइस रखने वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी। क्यों, उस क्लास का एक परसेप्शन है कि सिर्फ हाई प्राइस प्रोडक्ट ही हाई क्वालिटी होती है। बेशक गंदी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी आपने प्राइस क्या रखनी है, हाई रखनी है। क्यों, उसकी परसेप्शन के अकॉर्डिंगली चलना है। और अगर आप लोअर या मिडिल क्लास को टारगेट करने जा रहे हो
तो फिर आपने वो प्रोडक्ट मार्केट करनी है जिसकी प्राइस सबसे कम है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, फिर जाके कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अगर हाई प्राइस प्रोडक्ट आपने लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए मार्केट की तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। प्राइस लिखते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की ही क्लास नहीं देखनी, कंपैक्टर को भी देखना है कि कंपैक्टर ये प्रोडक्ट कितने पे मार्केट कर रहा है, और आपकी प्राइस कंपैक्टर के इक्वल या उससे लेस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या कहला है? फिर आपने प्लेस देखनी है कि कहाँ पर मुझे मार्केटिंग करनी है। आपका सपोज लाहौर में एक लेडीज़ गारमेंट्स का बुटीक का बिजनेस है, लाहौर में लेडीज़ गारमेंट्स बुटीक का बिजनेस है, तो आपने मार्केटिंग के लिए देखा कि बाकी कंपनीज़ ये बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं रोड पे, तो आपने भी बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। और आपने क्या किया, बोर्ड लगा दिए, कहाँ पे लगा दिए जी, शालमी में लगा दिए, चौक यतीम खाना में लगा दिए, लारी अड्डा में लगा दिए, और ठोकर न्याज बेग पे लगा दिए। क्यों ठोकर न्याज बेग से? मैं आता हूँ डेली, तो मुझे घर से निकलते मेरा बोर्ड नज़र आना चाहिए। बिजनेस क्या है? लेडीज़ गारमेंट्स बुटीक का हाई क्लास कस्टमर को टारगेट करने का बिजनेस। तो क्या आपका कस्टमर लारी अड्डा में है, चौक यतीम खाना में है, शालमी में है, ठोकर न्याज बेग पे है? नहीं, आपका कस्टमर कहाँ पे है? डिफेंस में है, एम एम आलम रोड पे है, गुलबर्ग में है, या फिर वो जो जे रोड पे दो तीन गर्ल्स कॉलेजेस है वहाँ पे है? क्या ख्याल है? तो आपको मार्केटिंग कहाँ पे करनी है? आपको मार्केटिंग करनी कहाँ पे है? जहाँ पे आपका कस्टमर है, रादर देन जहाँ पे आप रहते हो। क्या ख्याल है? मार्केटिंग किस लिए है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को नहीं कि मुझे मेरा डेली बोर्ड घर से निकलते ही नजर आना चाहिए, नहीं। किसके लिए है? कस्टमर के लिए। तो प्लेस भी एप्रोप्रिएट चूज करनी है, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएट प्लेस चूज नहीं की तो ये क्या है? इंटरनल वीकनेस, मीन यहाँ पे गधे बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है? फिर प्रमोशन भी आपने देखना है, करनी है या नहीं करनी। प्रमोशन कैसे की जा सकती है प्रोडक्ट की? डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू भी प्रमोशन की जा सकती है। क्या ख्याल है? नई प्रोडक्ट है तो इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट फॉर 3 डेज 30% ऑफ, जश्न आज़ादी आ गई तो 14% डिस्काउंट जश्न आज़ादी, नहीं बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट सेकंड हाफ प्राइस। तो ये प्रमोशन से भी कस्टमर जो है वो एक्सप्लॉइट ज़्यादा होता है, अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। प्रमोट करने के लिए डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ की जाती हैं। क्या कहला है? प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ की जाती हैं ना। क्या कहला है? कोई प्लेयर खेल रहे हैं तो उनकी शर्टों के ऊपर नाम अपने लिख दो बिजनेस के, तो ये भी क्या है? प्रमोशन है। डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के अंदर अपनी कोई स्टैंडी रख दो, तो यहाँ से भी क्या हो रही है? प्रमोशन हो रही है। स्पॉन्सरशिप आपने कर दिया किसी इवेंट्स को, या डिफरेंट सेलिब्रिटी के थ्रू आप क्या करो, वीडियो बना के भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। क्या कहला है? अब हाई फैशन लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस है और मार्केटिंग के लिए आपने चूज़ कर लिया मीरा को, क्यों? आपको बड़ी पसंद है, लेकिन आपके कस्टमर को क्या मीरा पसंद है या मायरा खान पसंद है? मायरा खान पसंद है। तो मार्केटिंग किसके थ्रू करनी है? मीरा के थ्रू नहीं, मायरा खान के थ्रू। जो सेलिब्रिटी आपको पसंद है वो नहीं, जो कस्टमर को पसंद है। क्यों? कस्टमर को अट्रैक्ट करना है इसके थ्रू, आपने अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करना। तो वो सेलिब्रिटी यूज़ करनी है जो कस्टमर की ज़्यादा फेवरेट है। क्या कह रहा है? हाँ, ज्यादा महंगी सेलिब्रिटी पे जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे कस्टमर भी आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? सस्ती सेलिब्रिटी तो उसके फॉलोअर कम हैं, कस्टमर आपको कम मिलेंगे। महंगी सेलिब्रिटी उसके फॉलोअर ज्यादा हैं तो कस्टमर भी आपको ज्यादा मिलेंगे। क्यों? मार्केटिंग का पर्पज क्या है? कस्टमर को अट्रैक्ट करना। तो अगर ऐसी मार्केटिंग आपने की जिससे कस्टमर अट्रैक्ट ही ना हुआ, तो वो पैसा भी क्या हो जाएगा? जाया हो जाएगा। तो देखना है, अगर यहाँ पे गधे बैठे हैं जिनको कोई प्रोडक्ट प्रॉपर्ली चूज़ करना नहीं आती, जिनको सेलिब्रिटी चूज़ करना नहीं आती, जिनको पता नहीं प्लेस कहाँ पे मार्केटिंग करनी है, जिनको प्राइस सेट करना नहीं आती, तो दिस मीन इंटरनल स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वीकनेस है। तो इस चीज़ को हमें दूर करना चाहिए। कैसे दूर किया जा सकता है? एचआर के थ्रू, के इन गधों को निकाल के कोई नए हमें क्वालिफाइड मार्केटिंग के बंदे रिक्रूट करो, या फिर इनको ट्रेन करो, इनको बताओ मार्केटिंग क्या होती है। ज़्यादा बेस्ट क्या होगा? इनको निकाल के नए लोग लाना। क्या कहला है? मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग हमने देखा जी, आजकल सारी दुनिया सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रही है, क्यों? अब रोड पे चलते हुए बोर्ड कोई नहीं देखता, अब तो लोग ड्राइव करते हुए मोबाइल के अंदर ही घुसे होते हैं। रोड पे चलते हुए मोबाइल हाथ में, समटाइम आगे गिर गुर भी जाते हैं गड़े शड़े में, लेकिन मोबाइल में घुसे हुए हैं। ना तो कोई बोर्ड देख रहा है, ना कोई इश्तहार देख रहा है, ना कोई बैनर देख रहा है।
क्या कहला है, तब मार्केटिंग करनी किसके थ्रू करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रहा। इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस? वीकनेस है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए फिर हमें हेल्प चाहिए, टेक्नोलॉजी ये देंगे, सिस्टम ये देंगे। क्या कहला है, कोई उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम नए परचेज करने हैं वो ये देंगे, पैसा ये देंगे, क्या कहला है। और आईटी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की अगर स्किल्स नहीं हैं तो वो फिर रिक्रूट करके देंगे, कौन, एचआर वाले। इसके अलावा क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है, आपका सेल चैनल, कि आप कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हो। आइदर कस्टमर चल के आपके आउटलेट से चीज़ें लेके जाता है, या कस्टमर फ़ोन पे या वेबसाइट पे ऑर्डर करता है और आप उसको डिलीवर करते हो। मीन ऑनलाइन सेल करते हो या फिर आउटलेट के थ्रू सेल करते हो, दो डिफरेंट सेल चैनल है। अब पाकिस्तान में हाई फैशन लेडीज़ गारमेंट्स का हम बिज़नेस कर रहे हैं और सिर्फ ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, क्या सेल चैनल ठीक है? नहीं। क्यों? पाकिस्तान में एक तो ऑनलाइन बिज़नेस पे लोग अभी भी थोड़ा डरते हैं पेमेंट करते वक्त, क्यों, ये क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल हैक मिसयूज़ ना हो जाए। और जब तक ये फीमेल कपड़े को हाथ लगा के टच ना कर लें तब तक इनको पता नहीं चलता कि क्या चीज़ है। इसलिए अगर पाकिस्तान में आपको बिज़नेस करना है तो आपका मेन जो सेल चैनल है वो ऑनलाइन नहीं, क्या होना चाहिए, मैनुअल आउटलेट होना चाहिए। हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बाइंग को, क्यों, टाइम बचाना चाहते हैं। और वहाँ पे अगर हम सिर्फ मैनुअल आउटलेट के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर रहे, तो ये क्या है, इंटरनल वीकनेस है। अब अगर हम पाकिस्तान में सिर्फ कर रहे हैं मैनुअल आउटलेट के थ्रू, तो क्या ये भी ठीक बात है? नहीं। अब लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ भी जा रहे हैं। समटाइम फीमेल जो है विंडो शॉपिंग करने मॉल में जाती हैं, कपड़े शपड़े दे के आ जाती हैं, बाद में इनको घर आके जो है वो राल टपकती है कि नहीं वो सूट मेरे पास होना चाहिए, तो फिर ये क्या करती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं और मंगवा लेती हैं। तो ऑनलाइन का बिज़नेस भी साथ होना चाहिए, और अगर हमारा है तो ठीक है, नहीं है तो इंटरनल क्या है, वीकनेस है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, फिर ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जाना है। उसके लिए हमें वेबसाइट इनके थ्रू बनवानी है, कोई सिस्टम चाहिए इनके थ्रू हमें चाहिए, और कोई डिलीवरी शिलीवरी के लिए हमें कोई बंदे रखने हैं, तो वो फिर कौन देगा, एचआर और प्रोक्योरमेंट वाले हमें देंगे। क्या ख्याल है? सो इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड सेल्स। एक और हमारी मेन एक्टिविटी है सर्विसेज, मीन आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक इंस्टॉलेशन। वारंटी हेल्पफुलनेस, रिपेयर्स, एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा। इंस्टॉलेशन, वारंटी, हेल्पफुलनेस, रिपेयर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा। हम बेचते हैं ये एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बिज़नेस है, ये एसी बेचते हैं। एक बंदा हमारे पास आया, जी गर्मी बड़ी होगी है तो मुझे एसी चाहिए, हमारा काम ही यही है, इसलिए तो हम बैठे हैं, आए बैठे चाय पियेंगे। उसने कहा नहीं, एसी चाहिए, गर्मी बड़ी है। अच्छा, ये तीन एसी हमारे पास, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। उसने कहा ये दे दो। हमने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए, हमने क्या किया, उसे एसी के तीन डब्बे दे दिए, ये इंडोर है, ये आउटडोर है, और ये इसके अंदर कनेक्टिंग पार्ट हैं, जाए जाके ठंडी हवाएं ले। उसने वो तीनों डब्बे उठाए, घर ले गया, फैमिली को इकट्ठा किया, आज हम ठंडी हवा में सोएंगे, एसी आ गया, डब्बे खोले, और डब्बा खोल के परेशान हो गया कि मैंने ये यहाँ पर लटकाना कैसे। अच्छा, ये आउटडोर तो बाहर रखना है, तो इंडोर आउटडोर को मैंने दीवार के अंदर से कनेक्ट कैसे करना है। ये इंडोर मैं ऊपर लटका तो दूंगा, चलो कील शील लगा के, तो इसका ऊपर स्विच कहाँ पे लगाना है, इसका स्विच तो बोर्ड तक आ ही नहीं रहा, क्या कहना, तो क्या ठंडी हवाएं ले लेगा, बल्कि उल्टा आपको भी गंदी गालियां देना शुरू कर देगा, मुझे क्या मुसीबत में डाल दिया। तो क्या करना, मैं एसी नहीं देना, साथ एक बंदा भी देना है, चल भी जाके क्या करके आ, इंस्टॉल करके दे के आ।
मीन ये सर्विस आफ्टर सेल सर्विस अगर हम दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस सेटिस्फैक्शन की बेस पर कस्टमर हैप्पी तो नेक्स्ट टाइम अगर एसी बाय करना है तो कहाँ पे आएगा, हमारे पास। अगर ये सेटिस्फैक्शन नहीं दी तो क्या नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा, नहीं। अगर ये सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ना सिर्फ ये खुद आएगा दूसरों को भी हमारी तरफ रेफर करेगा, जिससे हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प मिलेगी। मीन इसकी बेस पर अगर हम कस्टमर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चार्ज करें तो कस्टमर हाई विलिंग टू पे होगा, क्या कहला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे बिजनेस की। मोबाइल बेचते हैं हम, आप मोबाइल लेने गए हो, दो मोबाइल मिलते हैं, वारंटी वाला 5,000 महंगा है, विदाउट वारंटी 5,000 सस्ता है, क्या कह रहा है। वारंटी वाला 1,05,000 का है, बगैर वारंटी के 1,00,000 का है, कौन सा लोगे। वारंटी वाला कि जब मैं लाख खर्च रहा हूँ तो 5,000 के पंगे के पीछे मैं गंदी चीज़ ना ले बैठूँ, क्या कह रहा है। ये वारंटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कि भाई अगर ये चीज़ ख़राब होगी तो तू इसका वारंटी क्लेम भी हमसे ले सकता है, और उसके लिए हम ये जो 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर क्या है विलिंग टू पे है। तो ये भी क्या है हमारी मेन एक्टिविटी है। इस तरह से हम बेचते हैं सॉफ्टवेयर। एक क्लाइंट आया हमारे पास, जी मुझे अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाना है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली बनेगा, हमने कहा जी बना देंगे। तो उसने कहा कितने में, हमने कहा जी 50,000 में। कितने दिनों में, हमने कहा जी 15 दिनों में। 15 दिन बाद क्लाइंट आया, हमने उसे CD में सॉफ्टवेयर दे दिया, जाके इंस्टॉल करके यूज़ कर। क्लाइंट ले गया CD में, जाके इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन यह सॉफ्टवेयर क्या उसने ज़िंदगी में पहले कभी देखा है, तो क्या उसे यूज़ कर लेगा। उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे लेकिन उसे यूज़ करना नहीं आ रहे, तो वो क्या कह रहा है कि है ही नहीं इसके अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर देना चाहिए, नहीं, साथ एक बंदा देना चाहिए, चल भी जाके इंस्टॉल करके इनको जाके ट्रेन भी करके आ, इनको सिखा के भी आ कि कौन सा फीचर कैसे कैसे यूज़ करना है। ये चीज़ें अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कस्टमर हैप्पी होगा, नेक्स्ट टाइम भी अगर उसे कोई सर्विस चाहिए तो हमारे पास आएगा, बल्कि लोगों को भी हमारी तरफ रेफर करेगा। हाँ, अगर ये चीज़ें नहीं दे रहे तो उसने सॉफ्टवेयर पहली दफ़ा यूज़ करना है, उसे पता ही नहीं क्या चीज़ है, कैसे चलानी है, तो फीचर होने के बावजूद वो क्या समझेगा कि शायद हमने उसे मामू बना दिया, क्या कहला। तो दोबारा हमारे पास नहीं आएगा, लोगों को भी रोकेगा, उनके पास नहीं जाना, पता नहीं क्या गंद बना के देते हैं, उससे बेहतर है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करके उसे काम कर ले, क्या कहला। तो ये चीज़ें भी हमारी मेन एक्टिविटी है। अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रेंथ है, नहीं प्रोवाइड कर रहे तो इंटरनल वीकनेस है। क्यों, ये आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करने में हमें हेल्प देंगी। हाँ, अगर ये सर्विस नहीं दे रहे, बस सेल पॉइंट तक हमने कस्टमर रखा, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन नहीं किया, जो हमारी फ्यूचर पोजीशन को क्या करेगा, वीक कर देगा। क्यों, ये कस्टमर हमारे पास दोबारा नहीं अब आने वाला। तो अगर ये हम नहीं दे रहे सर्विस, तो ये देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेंगे। वो डिपार्टमेंट बनाने के लिए हमें कोई बंदे चाहिए होंगे जो ये हमें देंगे, उसमें कोई टूल्स चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, कोई एसेट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो वो ये परचेज़ करेंगे। उन बंदों को बिठाने के लिए हमें कोई जगह चाहिए डिपार्टमेंट बनाने के लिए, तो वो ये प्रोवाइड करेंगे, क्या कहला है। मीन इनकी सपोर्ट से हमने क्या करना है, इनके मसलों को रिजॉल्व करना है। सो जब हमने इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हमने अप्लाई करना है पोर्टर वैल्यू चेन। और पोर्टर वैल्यू चेन क्या कहता है कि वैल्यू चेन का मतलब है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और जब आपने इंटरनल एनालिसिस मीन वैल्यू चेन को एनालाइज करना है तो क्या करना है, बिजनेस की 5 प्राइमरी एक्टिविटीज और 4 सेकेंडरी या सपोर्ट एक्टिविटीज को एनालाइज करना है। ये बेशक सेकेंडरी हैं, मीन मेन ये हैं जिससे बिजनेस की वैल्यू एडिशन मीन बेनिफिट इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये भी फजूल नहीं है, वैल्यू ये भी ऐड करती हैं। कैसे वैल्यू ऐड करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू ऐड करता है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से, अच्छी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट से या क्विक डिसीजन मेकिंग से। परचेज वैल्यू ऐड करता है कैसे, सिक्योर सप्लाई से, मीन सप्लाईज का सोर्स सिक्योर करने से, मीन अच्छे रिलेशन क्रिएट करने से। IT वैल्यू एडिशन करता है कैसे, R&D करके इनोवेशन ला के बिजनेस की कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में। HR भी वैल्यू ऐड करता है कैसे, एम्प्लॉइज़ को अच्छा ट्रेन करके या फिर उनको मोटिवेट करके, ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंसी में हेल्प दे सकें। क्यों, ट्रेंड होंगे, मोटिवेटेड होंगे तो कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव होगी। अगर एम्प्लॉई अच्छे ट्रेन नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है तो फिर कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी। कि बेशक ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन ये भी वैल्यू ऐड करती हैं। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, होपफुली
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कहला कस्टमर से रिलेशन अच्छे नहीं है. कस्टमर से रिलेशन अच्छे नहीं है उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं? काफ़ी सारी रीज़न हो सकती हैं. मेन ये रीज़न हो सकती है कस्टमर कंप्लेंट्स को जिन्होंने डील करना है, कस्टमर की क्यूरीज को जिन्होंने रिजॉल्व करना है.